मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंगलोर। तो देख रहे हैं यहाँ पे पैकिंग वैकिंग हो चुका है, छोटा सा दो पैक पैक है और मैं निकल रहा हूँ कबनी की तरफ। तो यस, तो बीच में थोड़ा सा टाइम निकला अपने लिए, छुट्टी डाली दो, और फिर अपने एक दोस्त के साथ निकल रहा हूँ मैं कबनी। तो चलो अभी गाड़ी में बैठते हैं, फिर आके आपको आगे का स्टोरी बताते हैं। तो दो पैक है, ये एक कैमरा वाला बैग है, इसमें एक कैमरा के साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ है, स्पेशल चीज़ जो आपको बाद में दिखाता हूँ। छोटा सा एक बैग लिया है, एक ही दिन का ट्रिप है, और ये एक मेरा जैकेट है, फोल्डेबल जैकेट। गाड़ी ऑलरेडी सेट है, अब दोस्त के पास जाते हैं, उसको पिकअप करते हैं। चलो, तो प्लान ऐसा कुछ था नहीं, मेरा दोस्त बोल रहा था कि चलो जाते हैं, बहुत दिन हो गए जंगल नहीं गए थे, जो कि हमारा फेवरेट है। मेरे चैनल में सब वीडियोस अगर आप देखोगे, स्क्रॉल करोगे, सब वही सब मिलता है। तो अभी चलो, मैंने बोला चलो ठीक है, दो छुट्टियां डाली और निकल पड़े हैं। अभी अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:02। तो अभी यहां से निकलेंगे, दोस्त को पिकअप करेंगे, मैसूर रोड पकड़ के जाने का प्लान है, फिर आगे जाके आपसे बात करते हैं। खोलिए जी सर, गेट खोलिए जी सर। थैंक यू सर। आ गया जी दोस्त, रेडी जाने के लिए। चलो, तो यही मेरा दोस्त है, मेरा जंगल का साथी। जैसे हाथी मेरा साथी होता है, वैसे मेरा जंगल का साथी। चलो अभी कितना टाइम हो रहा है यहाँ पे, 5:14। कौन सा रोड पकड़े जाना है भाई? स्ट्रेट मैसूर रोड, गूगल दिखा रहा है एकदम स्ट्रेट चलेगा। 4 घंटे ट्रैफिक, 12 मिनट ट्रैफिक। ट्रैफिक नहीं है ना? 4 घंटे 12 मिनट। चलो इसी रोड को पकड़ के निकलते हैं आगे। साहब देखो, बैंगलोर मैसूर नया हाईवे, ये रोड अभी पूरा टोल रोड बनने वाला है। तो अभी बन गया है ऑलमोस्ट थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक टोल स्टार्ट नहीं हुआ होगा। नहीं, टोल स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन रोड एलिवेटेड वाले रोड्स बन गए। अभी नीचे से जाना पड़ता था यहाँ से, तो अभी ऊपर से मैं पहली बार आ रहा हूँ। मैं अवॉइड कर रहा था ये रोड पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था इस रोड पे, क्योंकि डाइवर्शन वगैरह थे। लेकिन अभी तो मस्त हो गया, पूरा हाईवे बन गया यार, एलिवेटेड हाईवे। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ शायद अभी तक, नहीं है तो सॉल्व होने वाला है। नहीं, यहाँ से अभी डिस्टेंस बच गया है 161 किलोमीटर, 3 घंटे 6 मिनट दिखा रही है गूगल। नहीं, हम सब रुकेंगे, रुक रुक जाएंगे तो 4 घंटे 4.5 घंटे हमको लग जाएंगे। टोल रोड बनने वाला है, तो अभी तक ये टोल गेट सब रेडी हो चुके हैं, बट टोल अभी तक चालू नहीं होता, साइड से निकल जाते हैं यहाँ से। ओ भाई क्या बढ़िया रोड है भाई, सही है, गेट भी बहुत सही बनाया है। अभी थोड़ा सा शायद हमको डायवर्शन वायवर्शन मिलेंगे, तो अभी तक पूरा रोड कंप्लीट हुआ नहीं है, तो अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जबकि कनेक्ट हो जाएगा ये एलिवेटेड हाईवे, तब बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारा। ये जो एलिवेटेड हाईवे वाला मस्त वाला रोड था, ये खत्म हो गया है भाई साहब। तो ये यहाँ पे इस वाले स्ट्रेच में नहीं बना है, तो अभी भी ये पुराना वाला मैसूर रोड ही है, जहाँ 2x2 आपको रोड मिल जाएंगे। बट आज वीकडे है तो ट्रैफिक, प्राइवेट कार्स की ट्रैफिक कम है, ट्रक्स वगैरह बहुत ज्यादा है भाई साहब इस रोड पे। तो जब ये पूरा बनेगा तब मस्त आएगा, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चालू नहीं हुआ है। ये सब कटिंग वटिंग होकर कंस्ट्रक्शन चालू होना है उसको।
भाई साहब क्या जबरदस्त लग रहा है, खतरनाक ही लग रहा है भाई ये रोड तो। दोनों तरफ 3x3 सिक्स लेन रोड है, ये बीच में पहाड़ों के बीच से जा रही ये रोड, क्या सुंदर लग रहा है भाई, क्या खतरनाक ही लग रहा है, प्लेजर हो गया है। मतलब मैसूर रोड में गाड़ी चलाना भी प्लेजर हो गया है, सही है भाई। गाड़ी आराम से 100 के ऊपर क्रूज कर रही है, खतरनाक। मैसूर 51 किलोमीटर, श्रीरंगपटना 78, मधुर 33। ये देखो क्या खूबसूरत ही लग रहा है भाई, जबरदस्त। ये पूरा पहाड़ को काट के ये हाईवे बनाया गया, दोनों तरफ पहाड़ पहाड़ है, पहाड़ काट के बीच से ये मस्त वाला मक्खन टाइप है हाईवे। यार क्या सही दिख रहा है, लग ही नहीं रहा है कि बैंगलोर मैसूर रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ भाई। स्पीड आराम से 150-200 तक भी जाएगी इस रोड पे, बट मेरी गाड़ी में इतनी जोर से चलाती ना, क्या खतरनाक ही लग रहा है, अलग लेवल लग रहा है। वेरी गुड नितिन गडकरी साहब, सैल्यूट, टू गुड। घर से 101.4 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी सोच रहे थोड़ा सा एक टी ब्रेक लेते हैं, 9 बजे दिखा रहा है पहुंच जाएंगे कभी नहीं, तो इतना जल्दी पहुंच कुछ फायदा है नहीं, तो अभी थोड़ा सा टीवी लेंगे, चाय वाय पी के फिर निकलेंगे आगे। रुक गए मैसूर रोड पे ही, अरे रुक जा भाई, भाई साहब यहाँ पर रुक गए हैं, यहाँ नारियल बन गए चाय दुकान, हमारा टी थैंक यू जी भाई। चाय वाय पी लिए हैं, जाएंगे चलो निकलते हैं, चलो अरे भाई निकलते हैं आगे। मैसूर पैलेस पहुंच गए हैं, यहाँ पे आसपास ये लेफ्ट हैंड साइड में शायद मैसूर पैलेस है ना, स्ट्रेट है वो पैलेस गेट है क्या, नहीं इधर है मैसूर पैलेस, कहाँ देख रहा है भाई इधर है ये रहा मैसूर पैलेस, इधर कोई नहीं एक बार यूटर्न मोड़ है वो, ओके रुक जा यूटर्न मोड़ वो, एक बार यूटर्न मार के मैसूर पैलेस की तरफ रुकेंगे जाके, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल टाइम में, आज ट्रैफिक नहीं है तो रोड साइड में थोड़ा सा रुक के एक दो फोटो खींच लेंगे। चलो पता नहीं भाई रुकना अलाउड है कि नहीं, थोड़ा यहाँ से मैसूर पैलेस के पास रुक गए हैं, देखो भाई क्या जबरदस्त है, दिस इज मैसूर पैलेस, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मैसूर सिटी ना बहुत छोटा सा सिटी है लेकिन बहुत बढ़िया है, सुंदर है, रोड्स अच्छे हैं, थोड़ा सा नैरो रोड्स हैं, बट यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, रोड साइड में पता नहीं साउंड कैसा कैप्चर हो रहा होगा, बट ये सिटी क्लीन है, प्लान्ड वे सिटी से बनाया गया है, और आईटी इंडस्ट्री नहीं है तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती भी नहीं है, बट ओवरऑल सिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ बस ऐसे ही गाड़ी यहाँ पार्क किया और पीछे आपका मैसूर पैलेस देखने रुक गए, और मैसूर पैलेस हो जाएगा तो आगे जाके यू टर्न लेके फिर से वहीं से हमको आप पे जाके आई थिंक लेफ्ट लेना पड़ेगा, कभी नहीं साइड, चलो निकलते हैं यहाँ से।
भाई साहब टाइम हो रहा है 8:38, इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे सोचा भी नहीं था। यहाँ से बस हम लोग 40 मिनट में अपने होम स्टे पहुंच जाएंगे। 12-1 बजे का चेक इन होता है। इतने जल्द इतना मस्त वाला रोड था कि पहुंच ही गए भाई। तो अभी यहाँ पर रुक गए, यहाँ पे कुछ एक होटल दिखा है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, है ना, तुरंत से ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। कितना बजे पहुंच जाएंगे भाई? आई थिंक 10 से पहले ही चेक इन कर लेंगे। तो चेक इन करते हैं, पहुँचते हैं, फिर पहुँच के जाके देखते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यार भूख लग रहा है थोड़ा सा, अभी बहुत टाइम भी हो गया ना, सुबह 4 बजे उठा हूँ, तो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे आगे। नीट सा ही टॉयलेट था, एक वेज रेस्टोरेंट टाइप का दिख रहा है। जैसे यहाँ के जो वेज रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, श्री गणेश सागर, यहाँ के जो वेज रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, काफ़ी हाइजीनिक होते हैं। नॉर्थ साइड के जैसे गंदे वंदे नहीं होते हैं। यहाँ देखो कितना साफ सुथरा है। इडली वड़ा वगैरह कुछ चाय शाय पी लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे आगे। चलो, दोस्त ने इडली वड़ा ले लिया, मेरा मसाला डोसा बनेगा, मसाला डोसा तो खाएंगे। तू स्टार्ट कर। ब्रेकफास्ट डन, खाना अच्छा था, इसमें ट्राई कर सकते हो। श्री गणेश सागर जस्ट कभी नहीं पहुँचने से 25-30 किलोमीटर दूर है। खाना वगैरह अच्छा था, डोसा वगैरह इडली वगैरह सब बढ़िया था। यहाँ से निकल चलेंगे डायरेक्ट होम स्टे। ऑफ रोडिंग है भाई, अरे बाप रे बाप, कीचड़ कीचड़। वाओ, ये गन्ने के खेत। मेरे पुराने व्लॉग्स में अगर आपने देखा होगा तो ये जगह पे मैं पहले भी आ चुका हूँ 2 बार या 3 बार। तो ये रोड ऑलरेडी कैप्चर्ड है, लेकिन भाई क्या जबरदस्त है, पूरा फार्मलैंड के बीचों बीच से आपको जाना पड़ता है होम स्टे। भाई अपने होम स्टे, कंट्री हेवन होम स्टे। रहा एंट्री, ओ जबरदस्त, इस बार ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। आई थिंक बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है इस बार। पिछली बार आई थिंक 3-4 महीने पहले आया था तो काफी ड्राई था उस टाइम, तो अभी काफी ग्रीनरी आ चुकी है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होम स्टे पता है क्या है? बेस्ट पार्ट इज या आप आगे देख सकते, देख पकते हो, कबिनी रिवर। ये होम स्टे बिल्कुल कबिनी रिवर के बैंक्स में है। गाड़ी पार्क करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का नजारा। क्या अभी कैसा है? सर ये होम स्टे है, दिखा दो कैसा है अभी। अच्छा, नागराजू किधर? टेम्पल। ओके ओके, टी कॉफी। हाँ बोलता हूँ, 5 मिनट 5 मिनट रूम क्लीन हो। ओके ओके, ठीक है। नॉनवेज? नॉनवेज, हाँ फुल नॉनवेज। हाँ ये है इस वाले होम स्टे का बेस्ट पार्ट। ओ भाई साहब, ये ऊपर इधर रूम, इधर से चल के आओ और आप आ जाते हो कबिनी रिवर के पास। इसमें घड़ियाल भी है पता है? घड़ियाल नहीं, कोकोडाइल, कोकोडाइल मगर।
साहब इस बार कुछ स्पेशल है, मैंने बताया था आपको, तो ये कुछ स्पेशल जो है वो ये है, गॉट ए DJI मिनी 2 ड्रोन। देखते हैं इसको सेटअप करते हैं। अगर आपको फुटेज दिखते हैं मतलब मैं उड़ा पाया हूँ, अगर फुटेज नहीं दिख रहे हैं मतलब मैंने कहीं पे तो क्रैश कर दिया इसको। चलो इसको लगाते हैं।